दौर था कि यहाँ हर घर में जो है वो BSNL का लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था, जब मोबाइल फ़ोन नहीं चले थे। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंडलाइन फ़ोन घर में रखना चाहते हैं, लेकिन BSNL की खस्ता हाली के कारण। मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ था, मैंने BSNL का ब्रॉडबैंड कटवा के अभी एयरटेल का लगवाया। रीज़न यही है कि ये अपनी प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन मेरे पास एक नंबर, आज भी मैं सोचता हूँ BSNL का मेरे पास एक नंबर है, काफ़ी सालों से चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि उसको रखूँ, लेकिन जिस तरह से इनके हालात है, अब मैंने वो भी डिसाइड किया कि उसको मैं किसी और कंपनी में पोर्ट कर दूँ। रीज़न ये है कि हर दिन आप देखते हैं कि यहाँ हर दूसरे दिन इनका नेटवर्क बंद हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता क्या इनके इंजीनियर नालायक हैं, या यहाँ जो इनके अफिसरान बैठे हुए हैं वो इतने नालायक हैं, वो या सिफारिश से लगे हुए हैं, उनको मैनेज करना ही नहीं आता। देखिए, एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, ये एक ही जो है गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, और देखिए इसकी ये हालात हैं कि आप गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो गई है कि एम्प्लॉइज़ को जो है वो इस डिपार्टमेंट से बाहर निकाला जा रहा है। रीज़न यही है कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, या तो इनके जो ऑफिसर्स हैं जानबूझकर प्राइवेट कंपनी से जब पैसा लेते हैं कि उनका इनका नेटवर्क बंद होगा तो प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क चलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क बिल्कुल बंद नहीं होते, आप एयरटेल लगा लीजिए, जियो यहाँ है, और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, वो बिल्कुल प्रॉपरली चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि BSNL की ऐसी हालात क्यों।